मैं कीर्ति परोहा कक्षा 11वीं की जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके पहले हमने जीव जगत के वर्गीकरण के अंतर्गत किंगडम मोनेरा अर्थात जगत मोनेरा का अध्ययन किया था। मुझे आशा है उसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा और नोटबुक में नोट भी किया होगा। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा अर्थात जगत प्रोटिस्टा, इसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जानते हैं अपन जगत प्रोटिस्टा के बारे में। तो अगर हम जगत प्रोटिस्टा जो कि जगत मोनेरा यानी किंगडम मोनेरा के नेक्स्ट में आरएच विटेकर ने इनको स्थान दिया था, तो इसके लक्षणों पे अगर हम देखें तो इसके जो लक्षण है इसके लक्षण देखें तो कैसे हैं इसके लक्षण। पहला, ये एक कोश की जीव होते हैं और दूसरा यूकैरियोटिक होते हैं। बच्चे, इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स क्या हैं। यूकैरियोट्स जो होते हैं उसमें जो सेल्स है वो क्या है, डिफाइन सेल वॉल होती है, उसका केंद्रक झिल्ली जो होती है वो भी बिल्कुल डिफाइन होती है, उसके जो सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं वो सारे प्रेजेंट्स रहते हैं और ये प्रिमिटिव स्टेज से ज्यादा एडवांस होते हैं। तो ये एक कोश की और यूकैरियोटिक होते हैं। दूसरा, अगर हम इनकी बात करें तो इसमें गति, जीवों में गति, चूंकि ये बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनको एक ही कोशिका के अंदर अपने सारे जीवन से संबंधित क्रियाएं संपन्न करना रहती है, तो इसलिए इनमें गति है। तो कशाव यानी फ्लैजेला और पक्षमाव यानी सीलिया, इनकी उपस्थिति पाई जाती है जिससे ये गति करते हैं। सीलिया की उपस्थिति होती है और फ्लैजेला उपस्थित होते हैं। फ्लैजेला उपस्थित होते हैं और सीलिया की उपस्थिति पाई जाती है। अब क्या होता है, इसमें जो कोशिका भित्ति रहती है, कुछ जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है और कुछ में अनुपस्थित रहती है। साथ ही साथ क्या होता है, कोशिका भित्ति भी वेरिएशन होती है, जैसे कि युगलीना में प्रोटीन की कोशिका भित्ति पाई जाती है और बाकी उसमें किसी में सेलुलोज की सेलुलोज कंपाउंड की कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगर हम इनके पोषण यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस करें तो जो न्यूट्रिशन होता है वो दोनों टाइप का होता है, स्वपोषी और परपोषी भी। यही कारण था कि जब द्विजगत वर्गीकरण पद्धति आई थी तो उसमें बोला था ना कि कुछ स्वपोषी जीवों को एक साथ रख दिया, प्लांट ग्रुप में, पादप ग्रुप में रख दिया, कुछ को एनिमल ग्रुप में रख दिया। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो इनका जो न्यूट्रिशन या पोषण है दो प्रकार का, स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक पोषण पाया जाता है, अर्थात ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और अगर परपोषी में जाए तो ये अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, इसमें भी इनके अलग अलग प्रकार रहते हैं। चलिए अब देखते हैं जो हमारा प्रोटिस्टा किंगडम है उनको कितने वर्गों में बांटा गया है। तो पहले देखते हैं, पहला है इसका वर्ग क्राइसोफाइट, पहला वर्ग आता है क्राइसोफाइट, दूसरा आता है डाइनोफ्लैजिलेट, तीसरा हमारा हो जाता है प्रोटिस्टा के अंतर्गत युगलिनाइड, फोर्थ नंबर का हो जाता है अवपंक कवक और फिफ्थ नंबर का हो जाता है प्रोटोजोआ। अधिकतर ये बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है समूह इसके अंतर्गत आता है। तो ये है हमारा प्रोटिस्टा का वर्गीकरण। बच्चे, इस प्रकार से आप डायग्रामेटिक अपनी कॉपी में अगर नोट करेंगे तो आपको एक ही बार में बहुत अच्छे से प्रोटिस्टा समुदाय का वर्गीकरण याद हो जाएगा और आप इसको भूल नहीं पाओगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्राइसोफाइट से। समूह पहला क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट जो होते हैं
वो भी जैसा कि जगत प्रोटिस्टा का कॉमन फीचर है कि ये जली जीव हैं, तो ये स्वच्छ जल और लवणी यानी सलाइन वाटर में भी पाए जाते हैं, समुद्र में भी पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और समुद्र के मुख्य उत्पादक कहा जाता है, इनको मेन प्रोड्यूसर कहा जाता है। अर्थात जो भी सूर्य ऊर्जा का जो उपयोग करते हैं वो सबसे ज्यादा ये करते हैं, ये मेन प्रोड्यूसर माने गए हैं। अब अगर इनके प्रकार को हम देखें तो ये दो प्रकार के हैं। पहला है डाइएटम। डाइएटम जो होते हैं, इनकी जो जीव होता है वो दो आच्छादित कवच के अंदर रहता है और ये सोप डिश टाइप का रहता है। इस प्रकार से ये सिलिका का बना हुआ रहता है और इसके अंदर वो जीव रहता है। जब जीव की मृत्यु हो जाती है, तो चूंकि ये हजारों लाखों की संख्या में रहते हैं, तो इनकी मृत्यु होने के बाद ये सी शोर पर या जो समुद्र का तट है या समुद्र की तलछट है वहां पर ये इकट्ठा होने लगते हैं। इनका अत्यधिक मात्रा में जमाव होने से ये बना लेते हैं डाइएटमी मृदा या डाइएटमी मिट्टी। अब ये डाइएटमी मिट्टी जो रहती है वो ऐसे यूजफुल रहती है। कैसे यूजफुल रहती है कि इसका उपयोग हम करते हैं पॉलिश करने के लिए, दूसरा तेलों या सिरप के फिल्ट्रेशन में, उनके जो निस्यंदन की क्रिया होती है उसमें इस डाइएटमी मृदा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है दूसरे नंबर पर सुनहरे शैवाल, या इनको डेस्मिड भी कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं अपन सुनहरे शैवाल और इनके, तो ये है क्राइसोफाइट के ऑर्गेनिज्म और इसके अंतर्गत आ गया पहला डाइएटम्स, जो यहाँ पर अलग अलग समूहों में अलग अलग कलर्स में है, लेकिन सब में सिलिका की उपस्थिति देखी जा सकती है। और दूसरा आ गया अपना डेस्मिड, जो सुनहरे शैवाल पाए जाते हैं। इसका का दूसरा ग्रुप जिसका नाम है डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट ये भी कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, साथ ही साथ ये मुख्यतया समुद्री जीव होते हैं, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, और प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अर्थात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं बना करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है इनका वो है वर्णकों की उपस्थिति यानी प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स। अब पिगमेंट्स क्या होते हैं, आप सबको मालूम है प्लांट्स में जो कलर्स आपको दिखाई देते हैं ड्यू टू रीजन ऑफ प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स, अर्थात हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है। इसी प्रकार से अन्य कलर भी जो रहते हैं वो पिगमेंट्स की उपस्थिति के कारण होते हैं। तो ये जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं ये पीले रंग में, हरे रंग में, भूरे, नीले और लाल रंग के होते हैं और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। इसमें जो कोशिका भित्ति होती है यानी जो सेल वॉल होती है वहां पर ये इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में जरूर आता है कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसकी बाह्य सतह पर, मान लीजिए ये कोशिका भित्ति है, इसकी बाह्य सतह पर सेलुलोज पट्टिका की उपस्थिति पाई जाती है। इसके बाद इसमें गति प्रदान करने हेतु दो कशाव यानी फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। देखिए इसके नाम पे लिखा हुआ है फ्लैजिलेट, फ्लैजिलेट यानी फ्लैजिला की उपस्थिति। सो बहुत ध्यान से आप समझिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट एक आता है लाल डायनोफ्लैजिलेट, ये जो होते हैं इनकी संख्या में क्या होता है विस्फोट होता, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं और बहुत ज्यादा क्या करते हैं अपनी संख्या की बढ़ोतरी करते हैं। इनकी पॉपुलेशन में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण क्या होता है कि जो समुद्र का पानी है वो कैसे रंग का दिखाई देने लगता है, लाल रंग का, तो उस घटना को कहते हैं रेड टाइड। लाल डायनोफ्लैजिलेट की अत्यधिक उपस्थिति के कारण समुद्र का पानी कैसा दिखने लगता है, लाल रंग का, इस घटना को कहते हैं रेड टाइड। ये इंपॉर्टेंट है और आपको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों में आता है। अब ये जो लाल रंग ये अत्यधिक मात्रा में दिखता है तो ये कैसा होता है, टॉक्सिक इन नेचर। कैसा होता है, टॉक्सिक इन नेचर, अर्थात विषैला होता है ये, और इसके विषैलेपन के कारण उसमें उपस्थित जितने भी समुद्री जीव जंतु हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसका आपको डिस्क्रिप्शन आ सकता है। अब अगर हम देखें डायनोफ्लैजिलेट के स्ट्रक्चर में, तो ये जो आप पट्टिकाएं देख रहे हो ये किससे बनी हुई है, मिलके सेल्युलोज पट्टिका, किससे बनी है ये, सेल्युलोज की पट्टिका रहती है जो कि अत्यंत कड़ी होती है और जल्दी नष्ट नहीं होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर सब में देख रहे हैं आप फ्लैजेला की उपस्थिति पाई जाती है, इसलिए इनको कहा जाता है डायनोफ्लैजिला, डायनोफ्लैजिलेट।
ये फ्लैजेला की उपस्थिति इसमें पाई जाती है। प्रोटिस्टा के तीसरे ग्रुप के बारे में, तो तीसरा जो थर्ड ग्रुप है वो क्या है, युगलिनाइड। इसका एग्जाम्पल भी क्या हो जाएगा, युगलिना। युगलिनाइड ग्रुप है जिसका उदाहरण बिल्कुल सिंपल है, युगलिना। ये जो है अधिकांश स्वच्छ जल या स्थिर जल में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति जो होती है, इनमें कोशिका भित्ति की जगह पेलिकल युक्त, एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की पेलिकल यानी एक आवरण, एक ऐसा झिल्लीमय आवरण पाया जाता है प्रोटीन युक्त पदार्थ, उसको पेलिकल कहा जाता है, जिसके कारण ये युगलिना को कैसी संरचना, लचीली संरचना प्रदान करता है। तो ये पेलिकल युक्त प्रोटीन वाला आवरण युगलिना के अंतर्गत पाया जाता है। इसमें जो फ्लैजिला रहते हैं वो दो रहते हैं, एक होता है लंबा और एक यही इसी के अंदर यही छोटा फ्लैजिला पाया जाता है, और इस फ्लैजिला के कारण ही ये गति करते हैं। इनमें जो न्यूट्रिशन यानी पोषण की जो विधि होती है, जो पोषण होता है वो मिक्सोट्रॉप यानी मिश्रित पोषण पाया जाता है। जब ये सनलाइट के मतलब सूर्य की उपस्थिति में होता है तो ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने लगता है, और अगर ये सूर्य की उपस्थिति में नहीं है तब ये हेटरोट्रॉपिक यानी परपोषी जीव की तरह व्यवहार करने लगता है। तो ये पूछा जाता है कि मिक्सोट्रॉपिक क्या है, अर्थात पोषण के विभिन्न स्तर जो उपस्थित होते हैं किसी एक जीव में उसे मिक्सोट्रॉप कहते हैं, और इसमें ये दो प्रकार से व्यवहार करता है, एक फोटोसिंथेसिस के रूप में और हेटरोट्रॉपिक के रूप में। अब इसमें जो वर्णक है, वर्णक बिल्कुल उच्च पादपों में जो पिगमेंट होते हैं उनके समान इसमें भी वर्णक पाए जाते हैं, यानी इसमें भी उच्च पादपों के समान क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। इसका उदाहरण है युगलिना, और बेटा ये युगलिना का स्ट्रक्चर है, आप इसको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका अगला क्या है, इसका जो अगला वाला समूह है वो है अवपंक कवक या स्लाइम मूल भी इसको कहा जाता है। इसका मुख्यतया जो नेचर है ये मृतपोषी अर्थात सेप्रोफिटिक नेचर का होता है। मृतपोषी की परिभाषा आपको बहुत अच्छे से आपने पढ़ी होगी 7th-8th में, कि वे जीव जो अपना पोषण, जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, सड़े गले और मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतपोषी जीव कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है कि जो डेड डिकेइंग टाइप के जो सब्सटेंसेस रहते हैं उनसे ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसकी दो शाखा हो जाती है, प्लाज्मोडियम और बीजाणु युक्त फलनकाय। प्लाज्मोडियम को अगर हम समझें तो जब ये अनुकूल यानी फेवरेबल कंडीशन में रहते हैं तो ये इकट्ठे होके कॉलोनियल टाइप का बना लेते हैं, प्लाज्मोडियम अनेक इकट्ठे हो जाते हैं और ऐसे प्लाज्मोडियम स्टेज बना लेते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे ये प्लाज्मोडियम स्टेज है, ये वाली इसकी, ये फेवरेबल कंडीशन में आ गया है। अब जब ये प्रतिकूल परिस्थिति में आता है स्लाइम मूड, तो क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में आने पर क्या होता है, ये अपनी ग्रोथ बंद कर देता है और स्पोर्स छोटे छोटे फ्रूट बॉडीज को बोलते हैं, इसको फलनकाय बोलते हैं, फलनकाय। तो ये फलनकाय यानी स्पोर्स टाइप के छोटे छोटे गोल गोल संरचनाएं बनाने लगता है, ये करता है वो प्रतिकूल परिस्थिति में। इसमें इसके स्पोर्स बनते हैं जो कि वायु के द्वारा यहां वहां फैलाए जाते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो वर्गीकरण किया अपन ने, उसमें 5th नंबर का जो समूह है वो है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ वर्ग के अध्ययन के लिए। ये जो प्रोटोजोआ है इसका इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि ये परपोषी होते हैं। परपोषी में क्या करते हैं, ये बहुत सारे तो परजीवी टाइप का भी व्यवहार करते हैं और दूसरों से पोषण प्राप्त अपना करते हैं। इनको चार प्रकारों में बांटा गया है, पहला है अमीबी प्रोटोजोआ, दूसरा है कशाभी प्रोटोजोआ, तीसरा पक्षमाभी प्रोटोजोआ और चौथा है स्पोरोजोआ। बच्चों अगर हम इनके नाम को देखें तो इनके नाम से ही पूरा इनका फीचर जो है वो स्पष्ट हो जाता है। अमीबी प्रोटोजोआ मतलब ऐसे प्रोटोजोअल्स को रखे गए हैं जिनका जो बाय नेचर अमीबा के हिसाब से मिलता जुलता है। इसमें जो पूट पार्ट के ये सबसे पहले तो ये कहाँ पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, समुद्री जल में भी पाए जाते हैं और मॉइस्ट सॉइल यानी नम मृदा जो होती है गीली मिट्टी उसमें भी अमीबी प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। दूसरा इनमें कूट पाद अर्थात स्यूडोपोडिया की उपस्थिति होती है।
ये मैं इंग्लिश में इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी ये वाला वर्ड भी आपको डिस्क्राइब करने को आता है, स्यूडोपोडिया। अर्थात इसमें कोई विशिष्ट गति देने के आर्गन नहीं पाए जाते हैं, इसमें शरीर का कोई भी हिस्सा एक कूटपाद की संरचना निर्मित कर लेता है और उससे अपना गति का काम करता है। मान लीजिए ये अमीबा है, इसमें क्या हो जाता है, इस प्रकार से ये एक कूटपाद निर्मित हो जाता है। तो ये स्यूडोपोडिया की उपस्थिति इसमें पाई जाती है। दूसरा, अगर जब ये जीव समुद्र में रहते हैं तो इनमें सिलिका का कवच पाया जाता है। इस प्रजाति के कुछ जीव कैसे होते हैं, परजीवी भी होते हैं। जैसे एंट अमीबी ग्रुप के जितने भी हैं सदस्य, वो कैसे हैं, परजीवी होते हैं। अब अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करें, कशाभी प्रोटोजोआ, अर्थात इसमें क्या पाया जाता है, कशाव, कशाव यानी फ्लैजेला की उपस्थिति पाई जाती है। ये फ्री होते हैं, परजीवी रूप में जीवन जीते हैं और एक इसका एक ग्रुप का सदस्य जिसका नाम है ट्रेपेनोसोमा। ट्रेपेनोसोमा जो है वो निद्रालु बीमारी अर्थात स्लीपिंग सिकनेस ऑर्डर जो है, सिकनेस की जो डिसीज है वो क्रिएट करता है, इसमें लोग सोते ही रहते हैं। तीसरा है पक्षमाभी प्रोटोजोआ, अर्थात यहाँ पर सीलिया उपस्थित रहते हैं, बहुत सक्रिय गति करते हैं, तेजी से गति करते हैं। इनमें गुहा की उपस्थिति अर्थात वैक्यूल्स पाए जाते हैं, इसका उदाहरण है पैरामीशियम। चौथे ग्रुप को देखें तो स्पोरोजोआ, इसमें क्या होता है, संक्रमण के लिए जीवन चक्र में किसी न किसी प्रकार के संक्रमण के लिए इनमें बीजाणु अवस्था पाई जाती है। इसका एक उदाहरण है प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम है वो क्या करता है, मलेरिया की बीमारी प्रोड्यूस करता है और ये मलेरिया परजीवी। लेकिन इसका वाहक कौन होता है, मच्छर होता है, मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से अगर ये वहां पर उपस्थित है तो मलेरिया बीमारी या मलेरिया डिसीज है उसको कॉज करता है। प्रोटोजोन्स जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का, जो कि एक डिसीज कॉज करता है, उसी प्रकार से ट्रेपेनोसोमा ब्रूसेलाई, ये जो है ये भी एक डिसीज कॉज करता है, डिसीज कॉजिंग है। और यहाँ पर बच्चों देख रहे हो आप पैरामीशियम का डायग्राम बना हुआ है, ऐसा डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। और ये है एक परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो इस प्रकार से आज हमारा यहाँ पर जगत प्रोटिस्टा का वर्णन पूरा हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जगत कवक यानी फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों।